ऑब्वियसली मेरी जर्नी वाईकॉम के साथ बहुत समय से है और ऑब्वियसली 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन, अजीत अंधारे जी एंड जितने भी सब जुड़े हुए हैं. आई मीन आई मेड माई फर्स्ट फिल्म विद देम, सो ऑब्वियसली एक रिश्ता है, एक नाता है इनके साथ और आगे भी हम काम करेंगे टुगेदर. तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वाईकॉम. आ गया तुम? नो, अभी मंडे को डिसीजन मिल रहा है एंड ऑब्वियसली सब लोग लड़ रहे हैं उसके लिए एंड ये डायरेक्टर के हित में होना चाहिए एंड जो हो रहा है गलत हो रहा है. कितने डिसीजन मैंने पहले भी बात किया है सबसे और मीडिया में भी बात कर चुका हूँ कि डिसीजन ऑब्वियसली डायरेक्टर के फेवर में होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सेंसर बोर्ड हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट दो, सब चीज़ सेंसर मत करो और डायरेक्टर को बताओ ना क्या करना है क्या नहीं करना. वो मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्टर के हिसाब से देखता हूँ और एक सेंसर बोर्ड के हिसाब से. प्रेशर आता है इसलिए सब लोग एकजुट होके लड़ रहे हैं साथ में और लड़ रहे हैं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एंड प्रेशर आता है ज़रूरी कि शूट करने से पहले लगता है अरे ये भी कट जाएगा, कौन क्या बोलेगा, तो एक यू नो स्टेप बैक हो जाता है एंड यू फील लाइक रिस्पॉन्सिबल है लेकिन क्या शूट करे क्या नहीं करे पता नहीं कट जाएगा. आई डोंट नो मच अबाउट दैट और मैं उसको फॉलो भी नहीं करती. नो, मैंने गाना सुना भी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि वो किस हिसाब से और क्या लॉजिक है क्या नहीं. सर ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, मैंने पिक्चर नहीं देखी तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेलर तो ऑब्वियसली अच्छा लगा है और रियलिटी है, रियलिटी बताते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं धक्का लगता है और वो कितना ट्रू है कितना नहीं ट्रू है वो हम देखने के बाद ही पता करेंगे. जैसे मेरी पिक्चर थी वो एक ट्रू बायोपिक थी और वो पंजाब पर ज़्यादा नहीं थी, कैरेक्टर पर ज़्यादा थी, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन पंजाब एंड जहाँ ट्रू स्टोरी आती है तो ऑब्वियसली सच बताना पड़ता है और किसी को लगेगा अगर सच के लिए. क्रिएटिविटी का नुकसान होता है अगर कोई मतलब इस जो जैसे उन्होंने ट्रेलर बनाया है उसमें तो लग रहा नहीं है कि दे स्टेप बैक, तो ऑब्वियसली सोच के ही बताया है, जो है वो दिखा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं किसको लगेगा तो वो अलग बात है और रियलिटी है तो चुभेगी तो सही. अब तक मैंने अनाउंस नहीं किया, जस्ट यही है कि हाँ बायोपिक नहीं है, यस थ्रिलर है. अब बायोपिक नहीं हो तो मैंने बोल दिया था, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर एंड जब आगे अनाउंस होगा तो होगा, अभी तक ऑल इज टाइप लिप्ट. थैंक यू.